नमस्कार, मैं अंशिका सिंह, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस एवं जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुंडावर ने आज मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंडावर उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध की गई अनर्गल टिप्पणी और अभद्र भाषा के प्रयोग के विरोध में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस मुंडावर के अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, जिला पार्षद भीमराज यादव, पूर्व अध्यक्ष कीमत राय शर्मा, पूर्व अध्यक्ष गंगाराम पटेल, केशव सिरोईवाल, बाबूलाल हुड्डा, सरदार सिंह गुजर, शहर अध्यक्ष मोहर सिंह गुजर, मंडल अध्यक्ष नेमीचंद गुवारिया, जगन्नाथ यादव, सुशीला रामवतार, प्रेम देवी, विक्रम सिंह यादव, हबीब सिंह, नागराज शर्मा, हंसराज यादव, रोहिताश्व यादव, महावीर शर्मा, जितेंद्र कौशिक, अविराज यादव, अमन शिवलाल मीना, योगेश यादव सहित अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी है, तब से अनुशासन का ऐसा हनन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी जबान पर कोई लगाम नहीं है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, इस देश के लिए जिन्होंने अपनी जान न्योछावर कर दी, उस परिवार के सदस्य आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जो हमारे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेता मन में जैसे जो बोल रहे हैं, हम कानून के हिसाब से चलने वाले हैं। हमारे नेताओं ने इस भारत देश को संविधान दिया है, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, नहीं बोलना हमें बहुत कुछ आता है। हम कांग्रेस के नेता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई आदरणीय राहुल गांधी जी के प्रति बद जबान और बद सलूकी से बोले। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये फतवा जारी करते हैं कि राहुल गांधी की जबान काट देंगे। राहुल गांधी आम जनता के आत्मा में बसा है, इस देश की जनता के, देश के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आत्मा में बसते हैं। उनके प्रति कोई असम्मानजनक टिप्पणी कतई सहनीय नहीं है। आज धरना देकर ज्ञापन दिया गया है। अगर इस बदसलूकी की जबान के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता माफी नहीं मांगेंगे तो हम आर पार की लड़ने के लिए आदरणीय योगेश मिश्रा जी, आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान में लड़ने के लिए, आर पार की करने के लिए हम तैयार हैं। हम कमजोर लोग नहीं हैं, बस ये है कि हम इज्जतदार लोग हैं, हम सभ्यता से चलने वाले लोग हैं और सभ्यता की बात करते हैं। तो मैं माननीय आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम से हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है और उम्मीद है कि वो उनको अपनी जबान पर लगाम कसने के लिए नसीहत देंगे। धन्यवाद। आप पत्रकार महोदय हमेशा कोऑपरेट करते हैं, हमें भी और इस क्षेत्र की जनता को भी, आपका बहुत बहुत आभार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी जो आज की जो हमारा दर्द है, जो हमारी मांग है, उसको आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे और उन बदसलूकी के जो दिल्ली में बैठ के बदसलूकी कर रहे हैं उन तक हमारी भावनाएं पहुंचेंगी। धन्यवाद।